first blood. First blood. First blood. First blood. First blood. First blood. सो हाई गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट कस्टम HUD फॉर टू फिंगर्स प्लेयर, जिससे कि वो लोग वन टैप हेडशॉट मार सकते हैं, अपना फास्ट गेम प्ले कर सकते हैं एंड एवरीथिंग ग्लोवल भी फास्ट लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी कस्टम HUD है एंड खुद मैं गाइज पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। एंड जो भी फास्टेस्ट प्लेयर है, यानी कि जिनका गेम प्ले बहुत ही OP है वन टैप में कहीं पर भी, ठीक है, वो भी इसी कस्टम HUD को यूज़ करते हैं मोबाइल प्लेयर, ठीक है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना एंड मेन इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है, आप लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज कर देना है, कंट्रोल्स में आकर लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज करना है एंड जो आपका गन स्विचिंग बटन है उसको भी ऑन कर लेना है। ये सब करने के बाद गाइज आपको सिंपली इधर आ जाना है। मैंने प्रीसेट 2 पर सेट किया है, इसमें आपको एकदम बेस्ट कस्टम HUD बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज मैं फायर बटन और जो ये मतलब ग्लोबल का इसका थोड़ा बाद में बताऊंगा, जिससे कि आराम से समझा पाऊंगा। सबसे पहले आपको गन की साइज कितनी रखनी है, जो गन के गन्स होते हैं गन बॉक्स उसकी साइज रखनी गाइस 83, यानी कि जो आपके मतलब लूट का एरिया है, लूट के एरिया से थोड़ा सा ऊपर रखना है, जिससे कि आप आसानी से लूट पाओ, क्योंकि लूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड गन का बॉक्स जितना आप लोग बड़ा रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपका गन स्विचिंग वगैरह जल्दी होगा। ये चीज़ करने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो मतलब आपका स्कोप वगैरह है और जो बैठने उठने वाला बटन है इसको कहाँ पर सेट करना है, इसको वाले बटन को करना है जस्ट आपके लूटने का एरिया आइटम लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट किया। इस टाइप से आपको स्कोप का बटन सेट कर लेना है और इसके गाइस इसकी ट्रांसपेरेंटी गाइस सबसे कम कर लेनी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, तो गाइस अभी बात आती है आपके अपने फायर बटन की। तो फायर बटन की साइज कितनी होनी चाहिए वो मैं बता दूंगी, 60 से 50 और 60 के बीच रखो, इससे ज्यादा मत रखो, कभी भी मत रखो, ठीक है। और जो आपका जंप बटन है जस्ट फायर बटन के ऊपर होना चाहिए आपका जंप बटन, इसका बेनिफिट भी बताऊंगा, ठीक है, वीडियो को देखना। और जो बैठने वाला बटन है जंप बटन के जस्ट थोड़ा सा राइट की तरफ एकदम टचिंग में होना चाहिए, अब इसका बेनिफिट क्या है वो भी बताऊंगा। अब गाइस आपको क्या करना है, ये सब सेट हो गया, अभी गाइज बात करते हैं जंप बटन का बेनिफिट। अब देखो जंप बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट आप अपनी राइट की तरफ मूवमेंट करोगे, अपनी स्क्रीन को घुमाओगे, तो गाइज आपका एकदम जंप के साथ साथ मूवमेंट भी हो जाएगा, यानी कि आप घूम भी जाओगे, ठीक है। देखो ऐसे जैसे आप जंप बटन पर क्लिक करोगे, लेकिन अगर आपका जंप बटन राइट की तरफ होगा या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप लोग जंप करोगे, उसके बाद अपनी स्क्रीन को दूसरी जगह दूसरे अंगुलों से टच करके फिर अपनी स्क्रीन को घुमाओगे। सो जंप बटन को ऊपर रखो, बस जंप पर क्लिक कर दे आपको घुमा देना है स्क्रीन, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी गाइज क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट फायर बटन को उठाना है और जस्ट ग्लोबल के नीचे, मैं देखो गाइज लाइन सर बता रहा हूँ, जिससे ये बेस्ट कस्टम HUD होने वाला है, बेस्ट एवर। आपको लाइन से लगाना है, जैसे जंप बटन और फायर बटन लाइन से। अभी आपका जो लेफ्ट फायर बटन है वो जैसे कि इतना मैंने इतना छोटा रखना है आपको लेफ्ट बटन का साइज, और जो आपका क्रोसियर है इसको गाइज एकदम कोने में डाल देना है, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि जो आपका आधा स्क्रीन होता है मोबाइल का वो वैसे ही क्रोसियर का काम करता है, भले कहीं पर भी आप क्लिक करो, ठीक है। और ग्लोबल को जस्ट इसके ऊपर रखना है लेफ्ट फायर बटन के, और ग्लोबल का साइज जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करना है, क्योंकि ग्लोबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। और जो आपका मतलब उसके बाद क्या करना है गाइज मैं बता देता हूँ, जो मेडिकेट का ऑप्शन है उसको गाइज जो थोड़ा सा राइट की तरफ लाना है, मैं कैसे लाना है वो मैं बता देता हूँ। अब देखो ग्लोबल का बटन का इधर रखने का क्या मोटिव है, अब देखो जैसे आप लोग किसी को वन टैप मारोगे राइट फायर बटन से, तुरंत ग्लोबल लगाओ के बैठ कर तो राइट फायर बटन के नीचे बैठने वाले बटन पर क्लिक करना, और जैसे ही मतलब आप ग्लोबल आदमी लेकर नीचे वाले ग्लोबल से जैसे नीचे आपके लेफ्ट फायर बटन है उससे आपको लेफ्ट फायर बटन क्लिक करना, तो इजीली आपका ग्लोबल लग जाएगा विदाउट किसी मतलब अलग अलग अंगुली मतलब दूर लेकर जाए, ठीक है, ओनली थंब से, दोनों थंब से। अभी गाइस क्या करना है, अभी का जो डबल वेक्टर का जो ये स्विचिंग वाला है इसको कहाँ पर सेट करना है, जो आपका सेकेंडरी गन होता है, ठीक है, जो गन हाथ में लेते हैं और सेकेंडरी गन के एकदम जस्ट नीचे, क्योंकि जब आप लोग डबल वेक्टर होगा जैसे आप इस गन पर क्लिक करोगे तो पहले से तो वेक्टर एक तो हाथ में आएगी आएगी लेकिन दूसरी भी हाथ में आएगी, लेकिन जब इस बटन को आप दूसरी जगह रखते हो तो क्या होता है, एक बार गन को लेना पड़ता है पहले वैक्टर को, उसके बाद इस पर क्लिक करते हो तो डबल वैक्टर हाथ में आती है, ठीक है। सो इसी का ध्यान रखना है कि आपको इस पर एक बार क्लिक करोगे तो आपकी दोनों गन हाथ में आ जाएगी। सो ये गाइस बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है। अब अगर आपका प्रोन वाला बटन आप कहीं पर भी रख सकते हो, क्योंकि प्रोन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम यूज़ करते हो। एंड जो इमोट वाला बटन है इसको गाइज आप यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखोगे तो आप आराम से फास्ट फास्ट इमोट दिखा पाओगे, ठीक है, जैसे इमोट पर क्लिक करोगे उधर से इमोट दिखाओगे मतलब दोनों थंब से, लेकिन जब आप लोग ऊपर रखते हो तो आपको अपने थंब को पूरा ऊपर लेकर जाना पड़ता है अपने मोबाइल के कोने में, उसके बाद जब क्लिक करते हो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और फास्ट इमोट आप नहीं दिखा पाते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर उसके बाद गाइज मेडिकेट को यहाँ पर रखना, जैसे कि मैंने रखा, एंड जो अपना दौड़ने वाला बटन है, ठीक है, स्प्रिंटिंग वाला बटन, उसको यहाँ पर रखना, क्योंकि जितना ऊपर रखते हो उतना आपको थंब को स्ट्रेट यानी कि सीधा करना पड़ता है, यानी कि स्ट्रेट यानी कि गाइज जोर पड़ता है आपके थंब पर, लेकिन जितना नीचे रखोगे पास पास रखोगे जो भी बटन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अभी देखो मेरा कस्टम एचडी ऐसे ही है, मैंने आपको बता भी दूंगा, दिखा भी हुआ है पहला भी, और जो आपका प्लेस वाला है जो मतलब अंदर दिखते हैं अपने फ्रेंड का नाम, इसको आप इधर रख सकते हो जैसे कि मैंने सेट किया, एंड बाकी सब तो गाइज इधर ही रखना है, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं, बाकी अपने हिसाब से रख सकते हो। बैग वाले बटन को मैंने इधर रखा हुआ है। सो ऐसे करके आप एक बेस्ट कस्टम एचडी बना सकते हो अपने हिसाब से। अभी मैं आपको अंदर जाकर लाइक मतलब दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपनी कस्टम एचडी को मैनेज करता हूँ और कैसे मैं खेलता हूँ। एंड जो आपका हेल्थ वाला बटन है उसको बढ़ा सकते हो आप लोग जो, और गन स्विचिंग बटन गाइज मेन इंपॉर्टेंट है। वन टैप मारा, देखो जैसे वन टैप मारा, फिर गन स्विचिंग बटन नीचे रखो इसकी, उस पर क्लिक करोगे तो आपका गन तुरंत ही स्विच हो जाएगा। अब देखो गन स्विचिंग और जो जैसे कि गन स्विच बटन है और ऊपर गन स्विच करते हो आप लोग यानी कि मिली से, उसमें कितना डिफरेंट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, एकदम प्रॉपरली समझाऊंगा। एंड जो आपका आलोक है यहाँ पर रखो, यानी कि जहाँ पर गन स्विच करते हो आप लोग वहीं पर रखो, क्योंकि बार बार पता है आप लोगों को गन स्विच का हमको आदत होता है, तो गन स्विचिंग बहुत ही ज़्यादा होता है हमसे, इसलिए आपको आलोक को ऊपर रखना है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब एकदम पास में रखना है, मिलती जुलती चीज़ पास में रखोगे ना तो आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, एंड इसको एक बार सीख लोगे ना आप लोग फिर बहुत ही गाइस ओपी बन जाओगे आप, ठीक है। सो गाइस ये हमारी सेंसिटिविटी देख सकते हो आप लोग कि मैंने कैसे रखी है, ठीक है। तो कभी कभी मैं अपने फायरमैन को छोटा मोटा कर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। सो यहाँ पर देखो मैं ट्रेनिंग मोड में आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर गाइस अभी मैं कैसे करता हूँ आप सबको दिखाता हूँ। देखो मैं शॉट मार रहा हूँ, गन स्विच कर रहा हूँ, मतलब अटक नहीं रहा हूँ, बहुत ही कम समय अटक रहा हूँ। अटक इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज का मेरा पहला गेम है, देखो वन टाइम मार रहा हूँ, अटक नहीं रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। सो ये गाइस सिर्फ मेरी इसी सेंसिटिविटी का कमाल है। जितना आप लोग अपने फायर बटन और मतलब एक साथ लाइन में रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। सो देखो मैं फायर किया, अभी देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, फायर किया। देखो यहाँ पर अभी क्या हुआ, गन स्विचिंग बटन का कमाल है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने फायर बटन पर क्लिक किया, देखो जैसे क्लिक किया उसके बाद जो गन स्विचिंग वाला बटन नीचे क्लिक किया ना, तो मेरा फायर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये गाइज मूवमेंट। लेकिन गाइज अगर आप लोग डायरेक्ट ऊपर वाले गन स्विचिंग बटन से स्विच करते हो तो आपका फायर भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट मूवमेंट होता है, एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी देखो मैं कैसे शॉट्स वगैरह मार रहा हूँ, ठीक है, आप खुद देखो, उसके बाद बोलो कि कैसा मूवमेंट है मेरा, एंड खुद इसको ट्राई करना। अगर आप 2 महीने लगातार इस चीज़ को ट्राई करोगे तो 101% आप बहुत ही अच्छे प्लेयर बन जाओगे। सो आई होप, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा आपको, अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड पीछे मैंने कुछ गेम प्ले क्लिप्स डाली है, देखो और इन्जॉय करो।